सो गाइस, अगर आप सभी वन स्कोर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल के मदद से, तो अभी आप सब बहुत ही ईजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। इसके लिए आपको वन स्कोर आपको एप्लीकेशन को आपको सर्च करना पड़ेगा। तो चलो पहले वन स्कोर एप्लीकेशन को सर्च कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही ईजी तरीके आपको मिल जाएगा। तो क्या जैसे आप वन स्कोर चेक कर दो, ऊपर देखिए फर्स्ट पर ही आपको ये आ जाता है। देखिए चेक फ्री क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, साथ में लोन एंड रिपोर्ट, और आगे में देखिए वन स्कोर आपको दिखाया गया है। तो फाइनली अब ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। चलो फाइनली इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी मैं रखा हूं, तो फाइनली हमको अभी ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जो कि ये जो एप्लीकेशन है वो ओनली इंडिया का है, और आपको इसमें फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर भी आप सब चेक कर सकते हैं। तो चलो फाइनली आपको चेक माई स्कोर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर करवाना आप चाहते हैं, यानी आप जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर डालें, ताकि आपको स्कोर जो है बेस्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। उसके आपको जेट ओटीपी आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 जीट का ओटीपी आएगा, तभी आप दो ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं, या तो अपने कॉल के थ्रू भी ओटीपी मंगवा सकते हैं। जो कि गाइस देखिए ऑलरेडी हमको ओटीपी आया, ऑटोमेटिक ये मेरा डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, वो ईमेल आईडी आप फिल कीजिए। उसके बाद आपका पैन कार्ड के नाम क्या है वो आप डालिए, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम डालिए, और उसका आपको डन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम ये प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। सो गाइस, जो भी मेरा नाम था पैन कार्ड के ऊपर मैं नाम फिल कर दिया हूँ। उसके बाद आप नीचे में देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डन वाला, ये डन वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। चलो फिर हम ये डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका वेरीफाई डिटेल्स किया जा रहा है। उसके बाद जो भी रहेगा आपको बायोडाटा पूरे फिटनेस करने के बाद आपको पूरे देखिए आपका कितना है क्रेडिट स्कोर, इधर आपको दिखाया जा रहा है। यानी मेरा जो अभी क्रेडिट स्कोर है 83 यानी 832 है। सिर्फ आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका नाम क्या है ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है ऑटोमेटिक ये डिडक्ट कर लिया है। उसके आपको कंफर्म पर आप क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको 30 सेकंड तक वेट करना है। उसके आपको सिविल स्कोर कितना है आपको पूरे तरीके से बता दिया जाएगा, जो कि आपको फर्स्ट में बता ही दिया गया है। उसके बाद देखिए उधर भी आपको शो अभी हो रहा है कि फाइनली आपको अभी 832 क्रेडिट स्कोर है। तो अभी आपको फिर से वेरिफिकेशन के लिए भी एक आपको ओटीपी आया है, ये ओटीपी इधर ऊपर देखिए हमको आ चुका है। ये ओटीपी इधर आप फिल कर दीजिए ताकि वेरिफिकेशन आपका मोबाइल का जो है वो हो सके। तो चलिए फाइनली ये ओटीपी इधर फिल कर देते हैं। सो गाइस, फाइनली में ये ओटीपी फिल करने के बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली हम डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे फाइनली आपका क्रेडिट स्कोर जो है अभी आपको इधर दिखाया जा रहा है, जो कम से कम इधर गुड पे होना चाहिए। 32 डेज का जो रिपोर्ट है इसके लिए आपको देखिए 790 होना चाहिए, लेकिन आपका जो है बेस्ट है, यानी मेरा जो है रिपोर्ट 832 है इधर। अगर आप सभी अपना वन स्कोर ये क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी आप सब अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में देखिए आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो फाइनली क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है वो इधर आपको फिल करना पड़ता है। तो चलो फाइनली ये सब पूरा फिल कर देते हैं, आप सब इधर से फिल कर दीजिएगा। आप जो ये क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं इसका देख लिया, आपको जो अभी दिया गया एनुअल फी आपको बताया जाएगा, 0 आपका दिया जाएगा, और पे बैलेंस इन फुल आपको करना पड़ेगा। जब आपको जो भी अमाउंट आपको जैसे कि आपको भी परचेज आप करेंगे तो उसका जितना भी पेमेंट रहेगा आपको एक ही बार में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि 10,000 रुपये का अगर आप शॉपिंग किए तो आप 5,000 रुपये अभी भरें या 5,000 रुपये बाद में भरेंगे, ऐसा सिस्टम आपको नहीं चलेगा। जो भी करना है आपको एक ही टाइम में करना पड़ेगा। और आपको देखिए आपको मिनिमम अमाउंट भी आपको दिया गया ऑन टाइम, आपको चाहिए तो मिनिमम अमाउंट भी आप पे कर सकते हैं, बट हाफ हाफ मत कर सकते हैं, जो कि ये करना फुल ही करना है, और आपका एनुअल चार्ज आपका माफ किया जाएगा। तो फिर चलो नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देते हैं। चलो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देखिए फिर से आपको दिया गया है, तो चलो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते जाइए। उसके बाद आपको कितना क्रेडिट कार्ड का जो है आपको जो भी रहेगा जैसे बैंक की मनी और क्रेडिट कार्ड का जो भी रहेगा फीचर आपको इसी में आप देख सकते हैं। तो चलो फिर अपना बैंक मनी वाला चॉइस करते हैं। उसके बाद देखिए थैंक्स मैं ये ऑप्शन चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए इसमें से आपको चॉइस करना पड़ता है, जैसे कि हमको चाहिए मास्टर या वीजा, तो इसमें से या वीजा रुपया भी नीचे में दिया गया है, तो आप इसमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। तो गाइस आपको इसमें से एक कार्ड चॉइस करना पड़ता है, जैसे मैं वीजा चॉइस कर लेता हूँ। उस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ विड्रॉल का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप जितना आप चाहिए इसमें आप इसमें चॉइस कर सकते हैं। मैं स्टेटमेंट वाला चॉइस करता हूँ, उस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए आपको बताया गया है कि हार्ड लक आपको कुछ दूर वेट करना पड़ेगा, या तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप इधर शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी कार्ड अगर बनेगा तो आपका इधर से वर्चुअल कार्ड भी इधर से शो हो जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना, वेट करने के बाद आपको फाइनली कार्ड अगर बनाया रहेगा तो आपको कैंसुलेट किया जाएगा कि अभी आपको ऑर्डर कार्ड करना है। देखिए ऑन योर कार्ड आपका एक ऑप्शन आपको दिख गया,
तो यही कार्ड वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड ये कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो अभी आपको कितना लिमिट मिला है, इधर लिमिट आपको शो हो जाएगा। अभी हमको 30,000 रुपया लिमिट मिला है। उसके बाद आप ये कार्ड को किस तरह से यूज करना चाहते हैं, आपको पूरे वॉलेट में ये कार्ड आपको दिख जाएगा। तो चलो फ्रेंड आपको कुछ देर वेट कर लेना है, पहले पूरा प्रोसेस करने के बाद कुछ देर आपको वेट कर लेना है, कार्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी हमको ये कार्ड हमको मिल चुका है, मेरा नाम भी ऊपर आप देख रहे हैं। जैसे कि आप ये चाहे तो ये वर्चुअल कार्ड को यूज कर सकते हैं। फिर चलो मैं इंडिया बेस्ट कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको जो भी इन्फो यानी जो एड्रेस पर आपको ये कार्ड चाहिए वो एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। कंफर्मेशन पैन कार्ड और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोसेसिंग में जा ही रहा है, तो अभी आप चाहिए तो एड्रेस आप एक चॉइस कर सकते हैं जो एड्रेस पर आपको चाहिए। तो चलो फ्रेंड कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो भी एड्रेस इधर से चाहिए वो एड्रेस आप इधर से चॉइस कर लीजिए। चलो फ्रेंड एक एड्रेस इधर से चॉइस कर लेता हूँ, जो हमको ऑलरेडी मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वही हमको एड्रेस पर मंगाना है, तो ये एड्रेस मैं चॉइस कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस अभी आप जो एड्रेस फिल किए हैं इसी एड्रेस पर आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर किया जाएगा। इसके लिए आपको जो भी रहेगा परमिशन आपको देता भी रहेगा नोटिफाई, यानी सर्वर हमको बोला रहेगा कि लोकेशन नोटिफाई नहीं, हमको ये लिया जा रहा है। तो चलो फिर नोटिफाई मैं मिल कर देता हूँ, यानी तब जब मेरा ये एड्रेस पे क्रेडिट कार्ड आने वाला रहेगा तो हमको बता दिया जाएगा कि आपका ये क्रेडिट कार्ड अभी आने वाला है। या तो आप दूसरा लोकेशन पर भी अपना कार्ड को मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपका ढेर सारा ऑप्शन है ही, तो आपको जो ऑप्शन इसमें से बेस्ट लगेगा वो आप अपने ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी अब फिलहाल आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल चुका है, ये वर्चुअल डेबिट कार्ड को आप सब यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस कार्ड में अभी आपको बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो आपको एक्सक्लूसिव आप नहीं है, आप इसमें ढेर सारा आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। साथ में अभी आपको ज्वाइनिंग जो अभी आपको है इसमें आपको ज्वाइनिंग फी भी अभी आपको नहीं लगा है। साथ में ये कार्ड को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में देखिए हमको जेट नो क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो हमको वही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमारे जो एड्रेस जो मैं अभी फिल किया हूँ वो एड्रेस पर मेरे कार्ड आने वाला नहीं है। तो इसके लिए यानी फिलहाल मैं अभी वर्चुअल डेबिट कार्ड इसको यूज कर सकता हूँ। इसका दो एप्लीकेशन है, चाहे तो आप ये दोनों एप्लीकेशन को इसको यूज कर सकते हैं। आप कार्ड अप्लाई करने के लिए ये एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, और फाइनली अगर आप कार्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं इसके लिए एक एप्लीकेशन और है, वो एप्लीकेशन का मैं नाम आपको बता देता हूं। सो गाइस कंट्रोल करने के लिए नीचे में देखिए एक एप्लीकेशन इधर आपको दिखा रहा है वन कार्ड का, यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो फिर मैं भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, यानी अपने कार्ड को ये एप्लीकेशन के थ्रू पूरे हैंडल कर सकते हैं। आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड शो हो जाएगा, चाहे आप जितना लिमिट यूज करना चाहते हैं लिमिट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपना लिमिट सेट कर सकते हैं। हर तरह का बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है यही एप्लीकेशन से। अप्लाई करने के लिए आपको वन स्कोर चाहिए और यानी कार्ड को हैंडल करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन चाहिए। तो आपको दोनों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो दोनों एप्लीकेशन का लिंक डाला गया है। चलो फिर इसको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट अभी क्रिएट किए थे वही मोबाइल नंबर इधर आपको फिल करना है और ओटीपी भी आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी 4G का रहता है, ओटीपी ऑटोमेटिक रिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड वन स्कोर पर आपको क्लिक कर देना है, या तो आप कुछ देर वेट कर लेना है, जो कि आपका कार्ड जो भी रहेगा थैंक यू डाउनलोडिंग कार्ड, यानी मेरा कार्ड जो है डाउनलोडिंग हो रहा है प्लीज वेट करके, हमको एक मैसेज आ रहा है इधर आप देखिए आगे में, तो प्लीज जो है हमको वेट करना ही पड़ेगा। चलो हम वेट कर लेते हैं, जैसे आपका कार्ड इधर शो हो जाएगा तो फाइनली आप इसको इधर से ही एक्सेस कर सकते हैं। गाइस आपको जो क्रेडिट कार्ड अभी मिला है ये आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे मिला है, यानी आपका क्रेडिट स्कोर बेस्ट रहेगा तो ही मिलेगा। यानी आपको 700 से इधर देख लीजिए, इधर कम से कम 700 से अगर कम रहेगा आपका तो क्रेडिट स्कोर नहीं बनेगा, लेकिन 700 से एबव रहेगा तो फाइनली आपको ये स्कीम में अभी मेरा 832 दिख रहा है, तो इसके बेसिस पे आपका क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन आपका 700 से कम रहेगा अगर क्रेडिट स्कोर तो आपको जो ये वन कार्ड क्रेडिट कार्ड है आपको ये नहीं मिलने वाला है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये पूरी यानी लोखंड का बना हुआ है, तो लोखंड का क्रेडिट कार्ड है ये। आप सब चाहे तो आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, जो कि देखिए एनएफसी का भी सिस्टम दिया गया है, एनएफसी में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, यानी आपको अपने किसी भी एम्पोस मशीन से टच करके भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते ये लोखंड का है। इसका खास बात यही है कि ये लोखंड का कार्ड है, आप सब कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, टूटे फूटे का नहीं, आपका पूरे तरीके से मजबूत कार्ड है फिलहाल ये। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कार्ड के हैंडल करना चाहते हैं तो मैं आपको दोनों एप्लीकेशन बता ही दिया हूँ, दोनों एप्लीकेशन इसको हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, जो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।